हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम ये पोटली बैग बनाएंगे अपने वीडियो में। देखिए हमारा कितना प्यारा पोटली बैग बना है। इस बैग को हम जैसे पार्टी वेयर, साड़ीज वगैरह उसके साथ पहन सकते हैं, लहंगास के साथ, तो ये हमारा बहुत ही अच्छा लगता है और किसी को गिफ्ट भी दे सकते हैं और शादी ब्याह में कोई भी किसी भी चीज़ के लिए ये हमारा यूज में आ जाता है। इस पोटली बैग को बनाना भी एकदम ईजी है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। पोटली बैग बनाने के लिए ये मैंने वेलवेट का कपड़ा लिया है। ये देखिए, आप साटन का कोई भी ले सकते हैं। यहाँ मैंने वेलवेट का कपड़ा लिया है। ये हमारे दो पीस हैं इक्वल साइज के, तो इसका हमारा मेजरमेंट है यहाँ से 9 इंच है और इस साइड से भी हमारा ये 9 इंच है, 9x9 का। ये हमारे दो पीस हैं वेलवेट के कपड़े के। इसका मैचिंग ही हम लाइनिंग लेंगे, ये भी हमारा इसी के बराबर आएगा। ये हमारे दो पीस हैं ये भी। इसके बाद एक और पीस लेंगे हम, ये हमारा मेजरमेंट में यहाँ से 6 इंच है और इस साइड से भी हमारा 6 है, 6x6 का ये ब्रॉक है। इसका ही बराबर मैचिंग हमने ये इसके अंदर अस्तर लिया है लाइनिंग का कपड़ा। और एक मैंने ये बकरम का पीस लिया है ताकि थोड़ा ये हमारा हार्ड रहे, तो बकरम का पीस ऐसे रख के इसको हम सिलाई लगा के ज्वाइंट कर लेंगे यहाँ से। ये हमारा एक वेलवेट का पीस है, इसके ऊपर हम ये लेस अटैच करेंगे। लेस आप अपनी मर्जी से कोई भी ले सकते हैं। तो यहाँ हम ये हमारी नीचे में आएगी, तो यहाँ पे हम इसी साइज का यहाँ से कट कर लेते हैं। ये दो पीस मैंने कट कर लिए हैं, एक पीस हम इसके ऊपर ऐसे ज्वाइन करेंगे यहाँ पे और दूसरा पीस हमारा दूसरे पीस पे आएगा। इस तरह से रखेंगे, एक सिलाई हमारी यहाँ पे आएगी, एक सिलाई हमारी यहाँ पे आएगी, तो दोनों को ज्वाइन करते हैं। ये लेस मैंने अटैच कर दी है यहाँ पे। इसके बाद ये अस्तर का कपड़ा है, इसको हम अटैच करेंगे यहाँ पे। जैसे ये हमारा ऊपर की साइड आएगा, तो यहाँ से हम इस तरह रखेंगे, ये हमारा इस तरह ही आएगा कपड़ा और यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। ये भी हम इस तरह से सिलाई लगाते हैं। ये सिलाई मैंने लगा दी है यहाँ पे भी। अब इस पीस को हम ऐसे खोल लेंगे दोनों को। अब दोनों पीसेस को हम एक दूसरे पे ऐसे रखेंगे, राइट साइड हमारी इस तरह जाएगी। ये मैंने इस तरह रख लिया है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, सभी को यहाँ पे ही कंफ्यूजन होता है। ये हमारा डोरी के लिए होल आएगा, इसलिए हमने यहाँ पे ये स्पेस रखा है इतना। इस साइड में भी हमने इतना ही स्पेस रखना है, बराबर रख के दोनों ओर। उसके बाद यहाँ से हमारी ये पूरी सिलाई आएगी। इस साइड में भी हमारा ये ऐसे ही है, इतना मैंने छोड़ा हुआ है और यहाँ से हमारी सिलाई लगेगी। जब हम सिलाई लगाएंगे तो ये सिलाई हमारी इस तरह से आनी चाहिए। ये दोनों कपड़ों को ऐसे कर लेंगे और ये भी, और दोनों सिलाइयों को बराबर रख के हम सिलाई लगाएंगे। ये प्लेस पे नहीं लगानी है, बाकी हम सारी सिलाई लगाते हैं। यहाँ पे हमें ये भी ध्यान रखना है सिलाई लगाते समय, ये हमारी लेस है ये भी हमारी इक्वल आनी चाहिए, तभी हमारा बाद में अच्छे से दिखेगा। यहाँ पे हम सिलाई लगाते हैं, ये सिलाई मैंने लगा दी है। अब ये प्लेस हमने यहाँ डोरी डालेंगे। ये देखिए हमारा यहाँ पे ऐसे होल बनेगा इस तरह से, दूसरी साइड में भी हमारा इस तरह से आया है। ये हम बाद में इसको सिलाई लगाएंगे बाद में। अब इतना सिलने के बाद ये पीस हम सीधा कर लेंगे। ये हमारा सीधा हो गया है। अब ये है हमारा यहाँ फोल्ड है, ये हम अंदर को, ये कपड़ा अंदर को कर देंगे। ये कपड़ा हमारा अंदर को चला गया है ऐसे, ये अंदर से हमारा ऐसे है। अब ये साइड है, ये हमारी सिलाई है, ये भी हमारी सिलाई है। दोनों को मिला के यहाँ पे मैं पिन लगा रही हूँ। ये दूसरी साइड है, यहाँ पे भी हम पिन लगा देंगे। ये कपड़ा पिन लगाने से हमारा यहाँ पे सेट हो गया है इस तरह से। अब ये हमारा पीस यहाँ से सिलाई है, दोनों की सिलाई है, यहाँ पे हमने सिलाई लगाई थी। अब इस सिलाई को हम ऐसे दोनों को फोल्ड कर लेंगे इस तरह और यहाँ से हम किनारे से सिलाई लगाएंगे पूरे में, राउंड में। ये सिलाई मैंने लगा दी है। ये सिलाई हम इसलिए लगाते हैं
ये हमारी लाइनिंग है, तो ये हमारी बाहर को ना निकले इसलिए ये हमारी सिलाई लगा के सेट हो जाती है यहाँ पे। अब ये सिलाई लगने के बाद हमारा ये है प्लेस, देखिए यहाँ पे हमने छोड़ा था, ये होल छोड़ा है यहाँ पे, ये देखिए इस साइड में भी हमारा है। अब हम यहाँ पे एक सिलाई लगाएंगे, जैसे हमारा होल है यहाँ तक ये साइड भी, तो यहाँ से हमें ये निशान लगाना है इस तरह से, ये निशान लगा दिया है। अब ये दूसरी साइड है, यहाँ पे भी हमें इतने स्पेस पे ही निशान लगाना है। ये निशान मैंने लगा दिया है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये कपड़ा हमारा दोनों जुड़े नहीं है, एक दूसरे से अलग है, तो जब हम ऐसे सिलाई लगाएंगे तो ये हमारा अलग हो जाएगा, यहाँ से हमारी डोरी जाएगी। तो यहाँ पे कई लोगों को कन्फ्यूज़न होता है होल कैसे बना, तो ये हमारा दोनों कपड़े अलग अलग हैं इसलिए ये हमारा अलग हो जाता है। अब हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे पूरे राउंड में। अब ये सिलाई मैंने लगा दी है, यहाँ पे हमारी सिलाई लग गई है, ये देखिए। अब ये हमारे इस होल पे नहीं आई सिलाई, इसके बाहर है, ये यहाँ से हम डोरी डालेंगे तो ये बाद में हम करेंगे, पहले हम ये नीचे का पार्ट कर लेते हैं। तो ये दोनों कपड़े मैंने ऐसे मिला दिए थे, अब इनको हम यहाँ पे ऐसे राउंड में सिलाई लगा के इकट्ठा कर लेते हैं दोनों को। ये मैंने सिलाई लगा दी है, ये कपड़ा हम जब सिलेंगे नीचे का साइड बेस इसका तो हमें इजी रहेगा इस तरह लगाने से। ये कपड़ा हमारा रेडी हो गया है, अब इसके नीचे हम बेस लगाएंगे, तो ये हमारा कपड़ा रेडी करते हैं इसके लिए। जैसे ये कपड़ा हम ऐसे रखेंगे, इसके बीच में हम बकरम का पीस रखेंगे और ये हम ऐसे रखेंगे और यहाँ से हम चारों ओर से सिल लेते हैं। ये पीस मैंने सेट कर लिया है, यहाँ हमने बकरम लगा दी है अंदर, इससे क्या हमारा थोड़ा हार्ड हो जाता है ये। अब हम सेट करेंगे, तो यहाँ से हम इसका पहले सेंटर निकालेंगे, इस साइड से हम ऐसे टक लगा लेंगे, इस साइड में भी चारों साइड में हम सेंटर निकालते हैं। ये मैंने सेंटर निकाल दिया है, अब ये हम इस तरह से रखेंगे, ये हमारे अंदर की साइड आएगा। अब हम एक पीस इसका लेंगे, यहाँ इसके भी हम चार कॉर्नर निकाल लेंगे, दो तो हमारे सिलाई वाले हैं, दो हम सेंटर निकाल लेंगे, ऐसे यहाँ से भी हम टक लगा लेते हैं। ये टक्स मैंने लगा लिए हैं। अब ये टक्स लगाने का ये फायदा रहता है, चारों ओर से हमारा इक्वल आएगा। जैसे ये टक है, इसको हम यहाँ पे मिला लेंगे, यहाँ पे पिन लगा दूंगी मैं, और ये हमारा दूसरा है, ये हमारी सिलाई का आ जाएगा, यहाँ पे लगा दूंगी पिन। इसी तरह से ये हमारा अगला टक है, इसको हम यहाँ पे पिन लगा देंगे, ये हमारी लास्ट पिन यहाँ पे लगेगी। जब हम पिन लगाते हैं तो हमें अंदर का कपड़ा भी ऐसे देख लेना है, बराबर आ रहा है। अब ये पिन्स मैंने ऐसे कपड़े को रख दिया है, ये हमारा ऐसे राउंड में बन गया है, ऐसे ही हम सिलाई लगा लेते हैं। ये सिलाई मैंने लगा दी है, यहाँ से हमारी ऐसे राउंड में आ गई है, ये हमारा राउंड बन गया है, ये हमारा एक्स्ट्रा है, यहाँ से चारों कोने हम कट कर लेते हैं। ये देखिए हमारी ये राउंड शेप आ गई है इस तरह से। अब हम सीधा करेंगे अपने पोटली बैग को। ये देखिए हमारी बैक साइड है इस तरह से आई है, और ये हमारा पोटली का ये साइड है, ऐसे हमारी बन गई पोटली। ये देखिए हमारा कितना प्यारा ऐसे बन गया है। अब हम यहाँ पे डोरी डालेंगे। जैसे ये मेरे पास डोरी है, आप कोई भी ले सकते हैं। ये डोरी हम इसका मेजरमेंट यहाँ से लेंगे, यहाँ से हम 3 या 4 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। डबल डोरी हमारी चलेगी इसमें, तो एक डोरी हमारी इस साइड से आएगी, एक इस साइड से। डोरी को हम इस तरह से डालेंगे, जैसे ये हमारा होल है यहाँ पे, यहाँ से हम ऐसे डालेंगे। यहाँ हम दूसरी साइड इस होल में नहीं निकालना, इसे हमें यहाँ पे ही निकालना है, यहाँ से हमने इसको डाला है।
ये हमारी इसी साइड में ऐसे निकलेगी डोरी। ये हमारी एक साइड में डल गई है, यहाँ पे हम नोट लगा लेंगे। ये हम इसलिए लगाएंगे दूसरी साइड में हमारा निकल ना जाए, तो इसलिए हम यहाँ पे ऐसे हल्का सा नोट लगा लेंगे। अब हम दूसरी साइड से डोरी डालेंगे, जैसे इस साइड भी हमने होल किया है तो यहाँ से हम ऐसे डालेंगे और इसी साइड में निकालेंगे। ये हमारी दोनों साइड में डोरी डल गई है। अब यहाँ पे हम लटकन लगाएंगे, आप अपने हिसाब से कोई भी लटकन लगा सकते हैं। ये बना हुआ होता स्पेस यहाँ पे हम डोरी डाल के नोट लगा देंगे। ये लटकन मैंने लगा दिए हैं यहाँ पे। अब हम इस तरह से ऐसे खींच के बंद करेंगे तो ये हमारी पोटली बैग बन के रेडी हो गया है। ये देखिए हमारा अंदर कितना स्पेस आया है, इसमें हम कुछ भी डाल सकते हैं। ऐसा पोटली बैग हम बना के किसी को गिफ्ट भी दे सकते हैं, अपने लिए भी बना सकते हैं। एकदम पार्टी वेयर टाइप हमारा ये पोटली बैग बना है। हमारे ये साड़ी और लहंगा के साथ ये ऐसे वाले बैग बहुत ही प्यारे लगते हैं। फ्रेंड्स, पोटली बैग हमारा बनके रेडी है। वीडियो अगर अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो बेल बटन भी दबा लें, जिससे कि मेरे अगले आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।